पुजारी के 40,000 रुपए डकार गई अर्शी खान। पुलिस के पास जाकर पंडित पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। अपने बोल्ड कपड़ों और बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली अर्शी खान पर एक पुजारी के 40,000 रुपए न चुकाने का आरोप लगा है। पुजारी ने समता नगर पुलिस स्टेशन में अर्शी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई। वहीं अर्शी ने उल्टा पंडित पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। खबरों के अनुसार कांदिवली के साईं धाम मंदिर के पुजारी रमेश जोशी ने आरोप लगाया कि अर्शी ने 2 साल पहले उससे 40,000 रुपए लिए थे जो अभी तक नहीं चुकाए। पुजारी ने बताया कि अर्शी और पब्लिसिस्ट फिल्म की उससे मुलाकात साल 2015 सितंबर में हुई थी। वे मंदिर में लगातार दर्शन के लिए आते थे। 5 दिसंबर 2015 को अर्शी ने कहा कि मंदिर में उनका बैग और मोबाइल फोन चोरी हो गया। उसने बताया कि वह आर्थिक तंगी से जूझ रही है और अपने इलाज के लिए पैसे चाहिए, जिसके बाद पुजारी ने उसे 40,000 रुपए दे दिए। पैसे मिलने के कुछ समय बाद अर्शी ने मंदिर आना छोड़ दिया और फोन उठाना भी बंद कर दिया। पंडित ने कहा कि अर्शी ने ये कहकर पैसे लिए थे कि प्रोड्यूसर से रकम मिलने के बाद वो उन्हें लौटा देगी, लेकिन उसने अब तक पैसे नहीं लौटाए। उन्होंने बुरे वक्त में अर्शी की मदद की, लेकिन उसने भरोसा तोड़ा दिया। वहीं इन आरोपों के बाद अर्शी ने पंडित के खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज करवा दिया। अर्शी खान के मैनेजर फिल्म का कहना है उन्होंने कोई पैसे पंडित से उधार नहीं लिए हैं, वे है सिर्फ उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने अर्शी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया है।